एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में किया ऐसा कांड, सुनवाई कर रहे जज ने खोया आपा, कहा इसे सीजीआई चंद्रचूड़ के पास भेजो। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की हरकत पर जज का चढ़ा पारा, जज काफी नाराज हो गए, कहा यह सब करने की जरूरत क्या थी, क्या आपको कानून का ज्ञान नहीं या फिर खेल रहे हैं इमोशनल कार्ड, कहा अब मैं इस मामले की नहीं करूंगा सुनवाई, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पास भेजा जाए मामला। आखिर ऐसा कौन सा कांड वकील ने कर दिया, क्यों सुनवाई कर रहे जज ने आपा खोया, क्यों कहा इसे चीफ जस्टिस के पास भेजो, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वकील ने क्या कांड कर दिया, वकील अपने पैरालाइज्ड मुकब्बिल को व्हीलचेयर पर कोर्ट ले गया था, जबकि कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी के लिए कहा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को एक मामले की सुनवाई के दौरान वकील अपने पैरालाइज्ड मुकब्बिल को व्हीलचेयर पर बिठाकर कोर्ट में पहुंच गया, जबकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा ही नहीं था। वकील की इस हरकत पर जज काफी नाराज हो गए और कड़ी आपत्ति जताई। पूरा मामला क्या था, दरअसल यह मामला एक इंश्योरेंस कंपनी के मुआवजे से जुड़ा था। कोर्ट ने नवंबर 2019 में नोटिस जारी करते हुए बढ़ा मुआवजा देने पर रोक लगा दी थी। 5 अप्रैल को जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि उनके मुकब्बिल यानी याचिकाकर्ता खुद कोर्ट में मौजूद हैं। वकील की इस दलील पर बेंच नाराज हो गए और बेंच को लगा कि वकील ने जानबूझकर सहानुभूति हासिल करने के लिए याचिकाकर्ता को व्हील चेयर पर कोर्ट ले आए। सुनवाई कर रही पीठ भड़क गई। जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, याचिकाकर्ता के वकील कह रहे हैं कि वह पैरालाइज्ड हैं और कोर्ट में सुनवाई के लिए मौजूद हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि याचिकाकर्ताओं को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, खासकर ऐसी स्थिति में जब उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। कोर्ट ने तो कभी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के लिए कहा ही नहीं और न ही ऐसी उम्मीद की। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि मामले की सुनवाई बगैर याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत मौजूदगी के भी हो सकती थी, मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए। बेंच की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि मामले को अपने बोर्ड से हटा दिया और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। बेंच ने आदेश दिया कि इस मामले को दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा जाए ताकि वह किसी और बेंच को इसे असाइन कर सकें। अलग अलग कोर्ट या केस में याचिकाकर्ता की पेशी के नियम भिन्न भिन्न हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आदर्श सिंह कहते हैं, उच्चतम न्यायालय की बात करें तो याचिकाकर्ता या मुकब्बिल की तब तक व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होती है जब तक कि कोर्ट खुद न बुलाए। कोर्ट बहुत असामान्य मामलों में ही याचिकाकर्ता को बुलाती है, जैसे कि कोई पारिवारिक विवाद हो या अवमानना का मामला। लेकिन अगर मुकब्बिल चाहे तो अपना मुकदमा सुनने के लिए कोर्ट में आ सकता है जिस दिन उसका केस लगा हो, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। हाईकोर्ट में भी लगभग यही नियम लागू है। कोर्ट में पेशी के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यही नियम है।